हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एबी मनी लिमिटेड यानी आदित्य बिरला मनी लिमिटेड कंपनी की, जो बहुत ही अच्छी आदित्य बिरला समूह की कंपनी है और ये लंबे समय से स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड में काम कर रही है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है और इस पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इसका 4 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, तब ये 82 रुपीज़ के पास थी और फिर वहाँ से इसने 148 रुपये का शानदार हाई लगाया है। वहाँ से इसने ऑलमोस्ट आपके पैसे डबल कर दिए 4 महीने के अंदर ही। तो अच्छी कंपनी है और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत अच्छी है। आइए अब बात करते हैं इसके 52 वीक हाई लो की। देख सकते हैं आप, इसका 52 वीक लो 42 का है और हाई है 148 का और ऑल टाइम हाई है इसका 9 रुपीज़ का और ऑल टाइम हाई है 164 का। अब मार्केट कैप इसका देख सकते हैं, 662 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट प्राइस इसका 119 रुपये का चल रहा है। सेक्टर पी देखिए 15 का है। डिविडेंड अभी नहीं दे रही है कंपनी, तो भविष्य में देगी जब भी इसके अच्छे और प्रॉफिट आएंगे। बुक वैल्यू देखिए 19 की है, फेस वैल्यू 1 की है, तो अभी इसकी बहुत ही अच्छी और ग्रोथ होगा भविष्य में, क्योंकि फेस वैल्यू 1 का है तो ग्रोथ और अच्छी होगी। स्ट्रेंथ देख सकते हैं 11 इसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस 2 की है, तो 69% पास है सभी पैरामीटर्स में। स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, तो किसी भी कंपनी के लिए जब इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो भविष्य में और अच्छा ग्रोथ करेगी। इसका प्रोज और कॉन्स भी देख सकते हैं, प्रोज कुछ अच्छे हैं इसके, कॉन्स भी ऐसे ठीक ठाक हैं, कॉन्स कुछ खास नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका देख सकते हैं आप चार्ट में 1 ईयर का 10 अप्रैल 2023 को देखिए 47 रुपीज़ के पास थी, फिर उसके बाद इसने 148 का शानदार हाई लगाया है 1 साल से ही कम समय में। सेल्स देखिए लगातार इंक्रीज़ हुई है, 67 करोड़ से 101 करोड़ हो गई है। नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं 9 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ हो गया है 3 साल के अंदर ही। और इसका पेयर कंपैरिजन देखिए, एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल, ICICI सिक्योरिटीज़, ये सब इसकी कंपैरिजन की कंपनियां हैं। तो अपने इंडिया में इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सभी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस तरह की कंपनियों का फ्यूचर अभी ब्राइट है। टोटल एसेट्स भी देखिए लगातार इंक्रीज़ हुई है ईयर बेसिस पे, 1266 करोड़ से 1363 करोड़ हो गई। सेल्स भी बढ़ गई है, 96 करोड़ से 101 करोड़ हो गई है। उसी तरह नेट प्रॉफिट भी जो 11 करोड़ था बढ़ के 15 करोड़ हो गया है। और इसके प्रमोटर होल्डिंग भी देख सकते हैं आप, ये ब्लू कलर में जो दिखा रहा है प्रमोटर होल्डिंग देखिए, अराउंड 74% के पास इसके प्रमोटर हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। और पब्लिक के पास देखिए 26% के हैं। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है लगातार देखिए, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है किसी भी कंपनी के लिए। प्रमोटर को विश्वास है उसकी कंपनी और अच्छा करेगी, तो इस पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। जब भी इसका प्राइस आप लो देखिए, तब आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। इसकी अभी ग्रोथ होना बहुत ही ज़्यादा है अभी, क्योंकि बहुत ही लो प्राइस चल रहा है। और देख सकते हैं इसके हर पैरामीटर्स भी अच्छे हैं, नेट प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, 12 करोड़ से बढ़ के देखिए 44 करोड़ हो गया है लास्ट में 3-4 साल के अंदर ही। डिविडेंड देखिए 2007 और 8 में दे रही थी, फिर इसने बंद कर दिया, थोड़ा लॉस में रही होगी, फिर अब रिकवर करी है। एनुअल बेसिस पे भी देख सकते हैं आप इसका चार्ट पे कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है इसकी, 168 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 262 करोड़ हो गई है 2023 आते आते। इसके रिटर्न देख सकते हैं आप कितने शानदार रिटर्न है, 6 मंथ में 91%, 1 ईयर में 104, ईयर और 5 ईयर में भी देखिए 186 का शानदार रिटर्न दिया है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।